हे गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम ऑन माई चैनल सी एम ए हेमंत कुमार एंड एज एवरी वन नो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ गए हैं इंटर फाइनल सो गुड लक टू दोज स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाई फाइनल एग्जाम्स नाउ दे आर सी एम ए एंड गुड लक फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव क्लियर इंटर एग्जाम नाउ दे आर इन फाइनल सो गुड लक बोथ ऑफ द ग्रुप्स पीपल हु हैव गिवन इंटर एंड फाइनल सो नाओ टॉक अबाउट द रिजल्ट ओवर व्यू If I'm talking about the inter result, inter result is very poor in this attempt. I think less than 1%, which is not expected than the uh, assumption. So I think result should be 4%. So inter result is less than 1%, which is very poor and which is very low as compared to last attempt. Last attempt, uh, inter result was very good. Many of a students have qualified their inter exam. Last attempt was also online and this year. यानी दिस ये जो अटैम्प्ट था ये भी ऑनलाइन ही था बट आई डोंट नो वॉट द इंटर रिजल्ट आई थिंक इस शूट ने मेरे ख्याल से रोका है लास्ट टाइम लास्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए तो शायद इस बार इन्होंने बहुत कम बच्चे पास किए इंटर में माइट भी ये रीज़न मुझे लगता है क्योंकि बहुत बोथ लास्ट ईयर भी ऑनलाइन एग्जाम था इस ईयर भी ऑनलाइन एग्जाम था तो आई वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इंटर और फाइनल का फाइनल वॉज फाइनल रिजल्ट इज एवरेज सो uh, so, मेरे ख्याल से इस बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा रोका है काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट में पढ़ भी रहा था uh, ट्विटर पे कि रिज़ल्ट मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया बट आई वाज नॉट क्वालिफाई द मार्क्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे जो एकदम एज पे आके रुके हैं एग्जामेशन कुछ कहते एग्जामेशन भी मैंने देखे थे जिन्होंने पोस्ट किए थे कि दो सब्जेक्ट में एग्जाम्ड हैं एंड दो एक में फिफ्टी है एक में फोटी है बट स्टिल दे आर नॉट पास वो तो फिफ्टी फिफ्टी का फार्मूला के हिसाब से नहीं हुए बट स्टिल दे आर ऑन द एज मतलब उनको एकदम किनारे पे आके रुके 198, 195, एट वन सो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद एवरेज मार्क्स दे के थोड़ा इंटर का रिजल्ट बहुत पुअर बनाया गया बट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा पुअर था लेस देन वन परसेंट किसको कहते हैं लेस देन वन परसेंट सिक्स के आसपास जो फिगर है उतने बच्चे इन में पास हुए बोथ क्रूम मिला के बताओ तो बहुत ही पुअर था मेरे हिसाब से एनी हाउ जो रिजल्ट रहा वो तो रहा ही एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट और जो नए क्वालिफाई सी बने हैं हो और जो क्वालिफाई हुए फाइनल होप फुली दे विल गेट द गुड जॉब इन द मार्केट एंड ऑल्सो यू नो गुड कैंपस प्लेसमेंट इफ दे गट द चांस इन द कैप सिटिंग इन द कैंपस प्लेसमेंट तो गुड लक फॉर दोज स्टूडेंट हुए क्वालिफाई द फाइनल एंड गुड लक फॉर दोज स्टूडेंट हुए क्वालीफाई इंटर सो जो इंटर क्वालिफाई किए अब उनको फाइनल की पढ़ाई करनी है तो जो इंटर में उन्होंने जितना स्ट्रेंथ दिखाया था पढ़ने के लिए मोर देन दैट उसको फाइनल में देना पड़ेगा सो रिज़ल्ट तो ऑल ओवर एवरेज ही रहा और इंटर का पुअर रहा जो पास नहीं कर पाए स्टूडेंट होपफुली नेक्स्ट अटैम्प्ट उनके लिए बहुत अच्छा होगा बहुत बेहतर होगा और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिए रिविजन स्टार्ट करिए अगला जो अटैम्प्ट होगा होपफुली दे उनके लिए बहुत अच्छा हो थैंक यू सो मच